आज पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, सियासी उठापटक की बात नहीं होगी, बल्कि आज बात धोखाधड़ी की होगी, फ्रॉड की होगी। एक बुजुर्ग महिला की होगी, एक NRI बुजुर्ग महिला, जिसका आरोप है कि कुछ लोग उसका सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, उसकी सारी संपत्ति विवादित बना देना चाहते हैं, जिससे कि उसकी मौत के बाद सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। पहाड़ों के बीच में बसा देहरादून किसे अच्छा नहीं लगता। देहरादून के बारे में हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि वहाँ से जो भी खबर निकल कर सामने आए वो अच्छी हो, वो पॉजिटिव हो। लेकिन चाहना में और वास्तविकता में घाटी और पहाड़ जितना अंतर होता है, देहरादून की एक ऐसी ही खबर आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देहरादून के 17 सर्कुलर रोड पर रहने वाले राम सिंह थापा की बेटी डॉक्टर शशि अब 73 साल की हैं। वो जर्मनी में रहती हैं। उनके पति भी बुजुर्ग हो चुके हैं। ये कहानी कई परतों में है, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर शशि नेट्सले प्रिटोरियस ने 2013 में अपने भाई कर्नल विजय सिंह थापा के सुझाव पर देहरादून के विकास नगर में एक अस्पताल की शुरुआत की। अस्पताल का नाम रखा गया कालिंदी हॉस्पिटल। अस्पताल की शुरुआत तो हो गई, लेकिन डॉक्टर शशि के सामने समस्या ये थी कि वो जर्मनी में रहती थी। ऐसे में अस्पताल का संचालन कैसे हो, इसलिए उन्हें अपने साथ पार्टनर को भी रखना पड़ा। पार्टनर के तौर पर डॉक्टर शशि के साथ देहरादून के 3 जैन बंधु जोड़े, सतीश जैन, नवीन जैन और सुनील जैन। 3 जैन बंधु, डॉक्टर शशि, उनके भाई कर्नल विजय सिंह थापा और एक अन्य को मिलाकर 6 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जिसे अस्पताल को संचालित करना था। अस्पताल के 51% शेयर डॉक्टर शशि और उनके भाई के पास थे और 49% शेयर जैन बंधुओं के पास थे, लेकिन डॉक्टर शशि के मुताबिक जैन बंधुओं की नीयत में धीरे धीरे खोट आ गया। 2019 में जब डॉक्टर शशि के भाई कर्नल विजय सिंह थापा का निधन हुआ, तो उनकी जगह बोर्ड में नए सदस्य को जैन बंधुओं ने नहीं आने दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जैन बंधुओं का बहुमत था और धीरे धीरे उन्होंने अस्पताल का पूर्ण संचालन अपने कब्जे में ले लिया। डॉक्टर शशि का आरोप है कि एक बार जब वो अस्पताल में कुछ रिकॉर्ड मांगने गई, तो सतीश जैन ने अपने लोगों की भीड़ से उनके ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। डॉक्टर शशि ने जानलेवा हमले की FIR विकास नगर थाने में करवाई है। अब डॉक्टर शशि के वकील ने विकास नगर थाने में जैन बंधुओं के ऊपर एक और FIR करवाई है, धारा 420 और धारा 447 के तहत जैन बंधुओं पर नया मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में डॉक्टर शशि ने आरोप लगाया है कि जैन बंधुओं ने बाड़वाला स्थित उनकी संपत्ति पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। यह संपत्ति डॉक्टर शशि ने अस्पताल में आने वाले डॉक्टर्स के रहने के लिए खरीदी थी, लेकिन जिस तरह से जैन बंधुओं ने अस्पताल का संचालन अपने हाथों में खींचा, उसी तरह से बाड़वाला की जमीन पर भी कब्जा कर लिया और अब वहां विवादित जमीन का एक बोर्ड भी लगा दिया है। मजे की बात यह है कि जिस जमीन को अब जैन बंधु अपना बता रहे हैं, विवादित बता रहे हैं, 2013 में जब डॉक्टर शशि ने वो जमीन खरीदी थी, तब यही सतीश जैन उसमें गवाह बने थे। जमीन के विक्रय अभिलेख में सतीश जैन का नाम अब भी लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर शशि का कहना है कि अस्पताल उनसे छीन लिया, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अगर ये सही है तो डॉक्टर शशि ने पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की? आप सही सोच रहे हैं, और इसका जवाब यह है कि डॉक्टर शशि ने शुरू से ही कार्रवाई की, लेकिन वो जर्मनी में रहती हैं, 73 वर्ष की हैं, उनके पति 85 वर्ष के हैं। ऐसे में जर्मनी से भारत आना, अदालतों के थानों के चक्कर काटना, वकीलों के चक्कर काटना बुजुर्ग महिला के लिए इतना आसान नहीं होता। फिर भी वो दिन रात लड़ रही हैं, जिससे कि अपनी संपत्ति को वापस पा सकें। अब एक और सवाल उठता है कि आखिरकार जैन बंधुओं का इस पर क्या कहना है। तो आपको बता दें कि मीडिया में जैन बंधुओं का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और उनसे हमारा संपर्क भी नहीं हो पाया। अगर वो बयान जारी करेंगे तो जरूर हम उनके वर्जन से भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का सार यही है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को ऐसे मामलों को वरीयता के साथ देखना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला इतने वर्षों से परेशान है, दर दर न्याय के लिए भटक रही है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, FIR हो रही है, वो बार बार जर्मनी से अपने 85 साल के पति को छोड़कर इंडिया आती है, फिर जाती है। क्यों सरकार ऐसे मामलों को प्राथमिकता के साथ नहीं निपटाती?
क्यों इस मामले पर एक निष्पक्ष कमेटी का गठन नहीं किया जाता, एक सरकारी कमेटी बने, उसकी रिपोर्ट सभी को मान्य हो। उत्तराखंड की धामी सरकार को ऐसे मामलों को गंभीरता के साथ देखना होगा, क्योंकि डॉक्टर शशि का तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कितने ही लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है, कितने ही लोगों की संपत्ति को छीना गया है और वो वर्षों से न्याय की आस में भटकते रहते हैं। वैसे कालिंदी अस्पताल और जनबंधु पहले भी अपने कारनामों के लिए चर्चाओं में रह चुके हैं। कालिंदी अस्पताल कोरोना के दौर में मौत के आंकड़े छिपाने के लिए बदनाम हुआ था। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल पर 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना फर्जी अटल आयुष्मान योजना बिल लगाने की पुष्टि होने पर लगाया था। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार को आगे आकर डॉक्टर शशि जैसी बुजुर्ग महिलाओं के मामले को निपटाना चाहिए। संपत्ति पर अवैध कब्जों को लेकर आपका क्या कहना है, आपका कैसा अनुभव रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।